नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज एटेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता और मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी साहिल। आज हम बात करेंगे भारत और चीन सीमा विवाद को लेकर। क्या दोनों देशों के बीच में समझौता हो चुका है? क्या दोनों ही देश एक दूसरे से दोस्ती, ये नजदीकियां बढ़ रही हैं? आखिरकार ऐसा क्या कह दिया भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, इसके बाद इस बयान की चर्चा हो रही है और लोगों के मन में सवाल ये है कि क्या भारत और चीन का जो सीमा विवाद है, क्या इसको लेकर समझौता हो चुका है? सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है कि आखिरकार भारत के विदेश मंत्री ने क्या कहा। दरअसल भारत और चीन का जो सीमा विवाद है, इसको लेकर हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि जो विवाद है इसको लेकर 75% यानी कि 75% समझौता हो चुका है और अब दोनों ही देशों की जो सेनाएं हैं जो वहां पर डटी हुई हैं, ऐसे में दोनों ही देशों की सेनाएं जो हैं अब वापस लौटेंगी। यानी कि इस बयान के बाद अब साहिल चर्चा हो रही है कि क्या दोनों ही देशों के बीच में संबंध बेहतर हो रहे हैं। बिल्कुल, ये चर्चा का विषय इसलिए भी है क्योंकि ये जो बयान आया है, गलवान वैली के जो गलवान वैली में 2022 में हुआ था। अब गलवान वैली में आखिरकार हुआ क्या था? गलवान वैली में एक झड़प होती है चीनी फौज और हमारी इंडियन आर्मी के बीच। अब इस झड़प के बाद हुआ ये था कि जो चाइनीज ट्रूप्स है, जो चाइनीज आर्मी के जो जवान हैं, वो वहीं पे अपना टेंट लगा लेते हैं, जिसके बाद कई दिनों तक ये बात कही गई थी कि जो चाइनीज आर्मी है उन्होंने भारतीय सॉइल में अपने कदम रख लिए हैं, भारतीय रेखा के अंदर अपने कदम जमा लिए हैं। इसको लेकर अब एस जयशंकर ने ये बयान दिया है कि अगर चाइनीज आर्मी हमारे साथ अच्छे रिलेशन रखने चाहती है, अगर चाइनीज गवर्नमेंट चाहती है कि भारत के साथ उनके अच्छे संबंध बने रहे, तो उनको कहीं ना कहीं गलवान से अपनी आर्मी को पीछे करना होगा और गलवान से आर्मी भी पीछे होगी, उसके बाद ही किसी भी तरीके के शांति समझौते के ऊपर बात की जाएगी, किसी भी तरीके के जो ट्रेड्स किए जाते हैं उसके ऊपर तभी किसी भी टाइप की चर्चा की जाएगी अगर इस तरीके का काम किया जाता है। बिल्कुल, लेकिन साहिल देखिए, अगर इस बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पर भारत की ओर से 70,000 यहाँ के सैनिक जो है हमारी तैनात है। इसके साथ ही लड़ाकू विमान या फिर मिसाइलों की बात करें तो भारत सरकार की ओर से यहाँ पर ये तैनाती की गई है, तो वहीं चीन की तरफ से उनके सैनिक भी यहाँ पर डटे हुए हैं। लेकिन भारत आखिरकार अगर यहाँ पर किसी भी तरह का समझौता होता है, बातचीत होती है और सुलझाने का प्रयास किया जाता है कि कैसे यहाँ पर शांति हो, लेकिन भारत भरोसा कैसे करेगा? क्योंकि 2020 में जो हुआ हम सब ने देखा, हमारे सैनिकों की यहाँ पर जिस तरह से शहीद हुए हैं, तो कहीं ना कहीं चीन पर भरोसा करना ये भारत के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण नजर आ रहा है। बिल्कुल, भारत के लिए काफी चुनौतीपूर्ण भी है और सबसे पहले ये भी बात समझने वाली है कि आखिर क्यों गलवान घाटी में हथियार नहीं लेके जाया जा सकता, क्योंकि जिस समय पर यह हुआ था उस समय पर यह बात जरूर उठी थी कि क्यों गलवान घाटी में किसी तरीके के हथियार हमारे फौजियों के पास नहीं थे। आपने कहा कि हाँ वहाँ पर हथियार हैं, सब कुछ है, बट वहाँ पर हम गन फायर नहीं कर सकते हैं, फौजी सीधा वहाँ पर गन फायर ओपन नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक आर्म्स एक्ट साइन हो चुका है। तो आर्म्स एक्ट के तहत ये है कि वहाँ पर किसी भी तरीके की आप फायरिंग नहीं कर सकते हैं। हाँ, हैंड टू हैंड कॉम्बैट हो सकता है वहाँ पर, और ऐसा नहीं ये झड़प कभी पहली बार हुई थी, इससे पहले भी खबरें आती रही थी कि चाइनीज आर्मी आई है या चाइनीज आर्मी की तरफ से ये कहा गया था कि इंडियन आर्मी इसके अंदर हमारी टेरिटरी के अंदर आ रही है, मगर इस तरीके का झड़प पहले नहीं हुआ था, इस तरीके की खूनी झड़प नहीं हुई थी जिस कारण इतना उस पर लाइमलाइट में चीजें आए। क्योंकि एक तरफ जहां भारत ने माना था कि हाँ झड़प हुई है, वहीं चाइनीज आर्मी ने इसको पूरी तरह से नकार दिया था कि हमारी तरफ से जो चाइनीज आर्मी को मारा गया या चाइनीज आर्मी पर जो अटैक किया गया है उसमें चाइनीज आर्मी को कोई नुकसान पहुंचा है। हालांकि वहाँ के कई सोर्सेज ने यह भी कहा था कि हाँ नुकसान हुआ है, पर एग्जैक्ट नंबर, क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट कभी भी एग्जैक्ट नंबर नहीं आने देती है, जैसे कि हमने कोविड के दौर में भी देखा कि कोविड के दौर में भी एग्जैक्ट नंबर नहीं आ पाया था कि कितने कोविड के केसेस चाइना में उस समय पर चल रहे थे। तो इसी तरीके से जब गलवान घाटी में भी ये हुआ तो गलवान घाटी के किसी भी तरीके का कोई डेटा बाहर आया ही नहीं कि आखिर कितने चीनी सैनिकों की वहाँ मौत हुई या कितने चीनी सैनिक वहाँ पर घायल रहे। और यही वजह है कि देखिए, ना केवल भारत बल्कि और भी कई देश ऐसे हैं जो कि चीन पर भरोसा नहीं कर पाते, क्योंकि चीन देखिए उन मुल्कों में से है कि कब आपसे एक हाथ आगे दोस्ती के लिए बढ़ाता है और दूसरे हाथ पर कब चाकू रखते हैं, ये चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। 2020 के जिस तरह से जिक्र हम कर रहे हैं, देखिए उस समय भारत में कोविड लगा हुआ था, लॉकडाउन लगा हुआ था, कोविड महामारी से पूरा देश गुजर रहा था और उस समय चीन की ओर से ये सैन्य झड़प होती है, भारतीय सेनाओं पर हमला किया जाता है, तो वाकई में चीन पर भरोसा करना इतना आसान तो नहीं है कि अगर समझौता होता भी है। अब देखिए यहाँ पर ब्रिक्स सम्मेलन भी होने जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अक्टूबर में पहुंचेंगे और यहाँ पर चीन के राष्ट्रपति भी आएंगे, उनसे मुलाकात भी होगी। लेकिन भले ही मुलाकात हो, भले ही दोनों देशों के बीच में समझौते हों, लेकिन भरोसा करना ये बहुत बड़ी बात है कि आखिरकार चीन अपनी बातों पर अटल रहता है या नहीं, क्योंकि इससे पहले भी कई बार समझौते हुए हैं, शांति की बात कही गई, लेकिन चीन ने अपना चेहरा जो है दुनिया के सामने अलग ही तरीके दिखाया है। बिल्कुल, चीन ने एक अलग तरीके का चेहरा दिखाया है, कहीं ना कहीं हमें ये भी नजर आता है इसमें कि
चीन कहीं ना कहीं गलवान पर क्यों फोकस कर रहा है, क्योंकि गलवान एक ऐसा एरिया है वो काफी टॉप पोजीशन पे, जहाँ पे इस समय पर चाइनीज गवर्नमेंट या चाइनीज आर्मी जहाँ पर है वो काफी टॉप पोजीशन है। उस टॉप पोजीशन से बात यह है कि जो आसपास का एरिया है उस पर निगरानी रखना काफी आसान हो जाता है, और जब इस तरीके का काम होता है, जब निगरानी रखना आसान है, तो किसी भी तरीके का अगर इंडियन किसी भी तरीके के तरीके से आगे बढ़ते हैं, किसी भी टाइप की रणनीति बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको टैकल करना काफी इजी हो जाता है, क्योंकि अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएं तो काफी मुश्किल रहता है। हालांकि ऊपर से नीचे की तरफ फायर करना इजी रहेगा क्योंकि एक क्लियर व्यू रहता है, मगर नीचे से ऊपर की तरफ काफी मुश्किल भरा ही रहता है। बिल्कुल, लेकिन देखिए साहिल, जिस तरह से हम इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं कि एस जयशंकर कहते हैं, भारत के विदेश मंत्री कहते हैं कि ये 75% जो है समझौता हो चुका है, लेकिन अगर भारत और चीन की नज़दीकियाँ बढ़े, अगर इस पर हम बात करें तो क्या फ़ायदा होगा? देखिए यहाँ केवल ना केवल चीन को फायदा होगा, ना केवल भारत को फायदा होगा, बल्कि मुझे लगता है कि पूरे विश्व स्तर पर अगर देखें तो दोनों ही देश जो है पावरफुल नजर आएंगे, और जब दोनों ही देशों की जो रिश्ते हैं वो अगर मजबूत होते हैं तो निश्चित तौर पर भारत और चीन को तो फायदा होगा, आर्थिक दृष्टि से भी अगर देखें तो इसका फायदा भी दोनों देशों को मिलेगा, और कहीं ना कहीं एशिया के दो पावर हाउस ऐसे हैं जो कि एकजुट होंगे तो निश्चित तौर पर शांति व्यवस्था देखने को मिलेगी, जब दोनों देश दोनों सरकारें ये काम करेंगी तो बिल्कुल एक शांति व्यवस्था देखने को मिल सकती है। पर सवाल यही उठता है कि क्या चाइनीज गवर्नमेंट या हम कहें शी जिनपिंग, क्या ये चाहते हैं कि किसी तरीके से शांति बनाई जाए? क्योंकि चाइना लगातार ये कहता रहा है कि हम विकसित देश बन चुके हैं, हम विकसित देश हैं, और अगर एक विकसित देश है तो कहीं ना कहीं चाइना ये जरूर चाहेगा कि हम एक पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी में एक अच्छा छाप छोड़े, एक बेहतर छाप छोड़े, और दिखाएं दुनिया को कि अगर हम सिर्फ एक फ्रंट पर लड़ने को तैयार नहीं है, अगर हमारे ऊपर किसी तरीके का अटैक किया जाता है तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक तरफ से लड़ाई करेंगे, अगर हमारी तरफ से दूसरी तरफ भी अटैक किया जाएगा तो हम बराबरी के तौर पर वहां अटैक कर सकते हैं और बराबरी के तौर पर उनसे लड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं चाइनीज गवर्नमेंट जरूर दिखाना चाह रही है अपने इस अटैक से कि इस तरीके से रणनीति बना के कि हम कहीं हल्के में नहीं है, हमें हल्के में ना लिया जाए और हम किसी भी तरीके से अटैक करने के लिए तैयार हैं। लेकिन साहिल ये भी है कि देखिए चीन कभी भी ये भी नहीं चाहता कि भारत हमारी बराबरी करे या फिर भारत जो है बराबरी से टक्कर दे, कहीं ना कहीं चीन अपने से कमजोर अभी भी आज भी भारत को समझता है। लेकिन अगर दोनों ही देश के बीच में समझौता होता है, जिस तरह से हम देख रहे हैं ट्रेड लगातार यहाँ पर, अगर बॉर्डर की बात करें तो दोनों ही सेनाएं जो है यहाँ पर भिड़ जाती हैं, लेकिन वहीं ट्रेड की जब बात करते हैं तो अमेरिका से भी ज्यादा हमारा भारत का और चीन का भारत के साथ व्यापार होता है। जी जी, इसी को लेकर एस जयशंकर ने भी यही कहा है कि क्योंकि ये कहने वाली बात और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भारत का सबसे ज़्यादा ट्रेड जो किया जाता है वो चीन के साथ किया जाता है, भारत के ज़्यादातर मार्केट्स में चीनी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, इसलिए एक रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि इंडियन आर्मी को और इंडियन इंटेलिजेंस को ये कहा गया है कि जितने ड्रोन्स यूज़ हो रहे हैं, जितनी चीज़ें यूज़ हो रही हैं इलेक्ट्रॉनिक, उनमें से चाइनीज प्रोडक्ट्स को, चाइनीज जितने इक्विपमेंट्स हैं उनको हटाया जाए, क्योंकि जो भी चीज़ इंटरनेट पर अपलोड हो रही है, जो भी चीज़ इंटरनेट से कनेक्ट हो सकती है, कहीं ना कहीं उसको हैक करना उतना ही ईजी हो जाता है। तो इस वजह से उस समय भी ये कहा गया था और इस समय भी अभी यही कहा जा रहा है कि जितना हो सके चाइनीज चीज़ों को अवॉइड किया जाए, जितनी चाइनीज इक्विपमेंट्स है, चाहे वो ड्रोन में कोई पार्ट्स लग रहे हो या स्मार्टफोन्स के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि हम अगर किसी भी चीज़ की कोई डिस्कशन भी करें तो कहीं ना कहीं हमें उस तरीके के सजेशन हमारे फीड पे हमें दिखने शुरू हो जाते हैं। तो इसको लेकर भी इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी सख्त है कि अगर इस तरीके का आपको ट्रेड करना है, अगर इंडिया के साथ को ट्रेड रखना है, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी आर्मी को पीछे करना होगा और इस पर एक शांतिपूर्ण तरीके से बात करनी ज़रूरी है। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से बात करनी ज़रूरी है। और अगर हम ट्रेड की बात करते हैं, देखिए तो जिस तरह से ये आंकड़े सामने आए हैं, अगर इम्पोर्ट की हम बात करें तो 3.24 यहाँ पर ये फीसदी जो है इजाफा हुआ है, और वहीं अगर हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं साहिल तो 8.7 से बढ़कर ये 16.7 हो चुका है, यानी कि ये व्यापार जो है लगातार बढ़ रहा है, इसमें इजाफा हो रहा है। लेकिन वहीं सीमा बॉर्डर की अगर बात करें तो उस तरीके का हल नहीं निकल पा रहा है, भले ही 75% की आज बात की जा रही है, लेकिन अगर पूरी शांति व्यवस्था की बात करें तो आज अगर देखिए शांति व्यवस्था होगी, अगर बॉर्डर पर विवाद नहीं होगा तो ये नौबत ही नहीं आती कि 70,000 जवान हमारी तरफ से तैनात किए गए हैं और चीन की भी अपनी बड़ी संख्या में यहाँ पर सैनिक जो है तैनात हैं। बिल्कुल, और एक बात और समझने वाली है कि पहले दर्शकों को समझा दे कि LOC और LAC में फर्क क्या होता है। जो LOC है वो हमारी पाकिस्तान के साथ होती है, जिसको हम कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, बट जो LAC है वो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब क्या है जो LOC है, LOC एक मार्केटेड एरिया है जहां पर हमें पता है कि एक अगर रेखा खींच दी गई है तो ये पाकिस्तान के साथ सीमा है और इसको हम LOC कहते हैं, जिसको लेकर आके ज्यादातर चर्चा में रहती है LOC पर फायर हुआ है। जो LAC है, LAC डीमार्केटेड है, यानी ऐसी कोई सीधी रेखा नहीं है कि ये LAC है, उसको मान लिया गया है। अब जो भारत है, भारत एक एरिया तक को मानता है कि इसको हम LAC मानते हैं, हालांकि चीन भारत के कुछ एरियाज को अपने अंडर शो करता है, जैसे कि पूरे अरुणाचल प्रदेश को,
चीन अपने अंदर मानता है, चीन मानता है कि वह चीन का हिस्सा है। तो इस तरीके से एक डीमार्केटेड एरिया बनाया गया जिसको हम LAC कहते हैं। अब ये जो LAC है, जितना एरिया बच जाता है वो नो मैंस लैंड बन जाता है। अब ये जो नो मैंस लैंड है, यहीं पर सारी दिक्कतें शुरू होती हैं, क्योंकि इन नो मैंस लैंड के लिए ही लड़ाई होती है। अगर इस तरफ से भारतीय सेना आती है, उस तरफ से चीनी सेना आती है, तो कहीं ना कहीं वो लड़ाई इसी बात को लेकर होती है कि जो रेखा है, जो सीमा है, वो किस जगह तक रहेगी। और जैसे उस जगह को क्रॉस किया जाता है, तो कहीं ना कहीं फिर फौज आगे बढ़ती है और अपनी कार्रवाई करती है। हालांकि अब ये भी देखना होगा कि दोनों देश जिस तरह से इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं कि क्या वाकई में समझौता हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है, क्योंकि चीन पर भरोसा करना इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान से भी हमारा विवाद है, सीमा विवाद है, लेकिन पाकिस्तान से ज़्यादा भारत देखिए चीन पर नज़रें बनाकर रखा हुआ है, क्योंकि ये पहली दफ़ा नहीं है जब चीन की इस तरह से करतूत सामने आ रही है। इसके पहले भी लगातार हम बात कर रहे थे फिलिस्तीन को लेकर, जिस तरह से जहाज़ों के बीच में टक्कर हुई थी। तो कहीं ना कहीं ना केवल हमारा मुल्क, ना केवल भारत, बल्कि अन्य देश भी ऐसे हैं जो कि चीन पर भरोसा नहीं कर सकते। हालांकि देखना होगा ये समझौता कैसे होता है और क्या ये सीमा विवाद, इसका कोई सलूशन निकल पाता है या फिर नहीं। बिल्कुल। और एक बात और ध्यान देने वाली है कि चाइना, जहां पर हम चाइना की बात करते हैं, हम चीन की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें पाकिस्तान का नाम अपने आप जुड़ जाता है। क्योंकि एक जो कॉरिडोर चलता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो कहीं ना कहीं इस पूरे रीजन को होकर जाता है। और अगर इस रीजन को किसी तरीके से अगर ये बन जाता है, पूरा कॉरिडोर बन जाता है, तो इस कॉरिडोर के बनने के बाद होगा ये कि जितना इंडिया पे कहीं ना कहीं चाइना का अटैक करना काफ़ी इजी हो जाएगा, क्योंकि चाइना कहीं ना कहीं पाकिस्तान वाले एरिया से भी घेरना शुरू कर देगा। तो इसको लेकर अभी बहुत ध्यान देने वाली बात है, किसी तरीके से इस पूरे काम को किया जाए। और एस जयशंकर और जिस तरीके से पूरी बात चल रही है, तो इसको कहीं ना कहीं इस बात का नतीजे तक पहुंचना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस तरीके की कोई भी चीज़ बनती है, तो कहीं ना कहीं वो इंडिया की सिक्योरिटी के लेकर भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देगी। बिल्कुल। हालांकि इसके लिए इंतजार करना होगा, देखना होगा कि किस तरह से प्रयास भारत सरकार की ओर से किए जाते हैं और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर कितने अच्छे तरीके से इसे समझाते हैं और अपनी बात रखते हैं, किस तरह से दोनों ही देश की सरकारें बात करती हैं। क्योंकि एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री ऐसे हैं जो बात कहते हैं, चाहे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की बात करें, चाहे अपने देश को लेकर बात करें या फिर किसी भी मुद्दे को लेकर बात करें, जनता सुनती है और उन्हें सीरियसली भी लेती है। हालांकि यहाँ पर इस बॉर्डर को, इस पूरे विवाद को समझना होगा और इंतजार करना होगा कि आखिरकार भविष्य में क्या हालात बनते हैं और क्या ये विवाद सुलझ पाता है या नहीं। आप हमें बताइए आप क्या सोचते हैं, आपका क्या कहना है इस पूरे विवाद को लेकर। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए आप न्यूज़ स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म।